सरकार 5 साल से नाकाम रही है, नहीं कहाँ मतलब वो पूरी तरीका से अकाम रही है। सरकार की मंशा, सरकार की जो स्थिति वस्तु स्थिति दिखा है, सिर्फ मैया योजना में व्यस्त हैं, मैया के बेटा योजना में नहीं व्यस्त हैं। उनका यही मंशा है कि सारा नियुक्ति बाहरी को दे दो, सारा नियुक्ति जिसके पास माल है 30 लाख 25 लाख उसको दे दो। हमारे बगल में नेपाल है, वहाँ पर हटाया गया है, दिल्ली में हटाया गया, हरियाणा में हटाया गया, ना बहुत जगह हटाया गया है, लेकिन वो प्रमाण नहीं है। लेकिन सब वर्तमान स्थिति परिस्थिति देखते हुए हम लोग सीजीएल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा झारखंड में होता है, और फिर से एक बार कहे तो यह पेपर लीक का मामला इस बार फिर सामने आया है। इस बार अभी हम मोराबादी मैदान में हैं, मोराबादी मैदान में आप देखिए कि छात्रों का जिस तरह से यहाँ हुजूम है, ये विरोध करते नज़र आ रहे हैं कि फिर हमें छाला गया है। सीजीएल परीक्षा जो झारखंड जेएसएससी ले रही थी, इसमें हमें फिर से एक बार छला है, हमारी मेहनतों पर पानी फेर दिया है। हमारे साथ सर है, इनसे भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ फिर से छात्रों को जो सीजीएल परीक्षा में फिर धोखाधड़ी सामने आ रही है। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए। जो बच्चे हैं जो सामने आए हैं, उनसे आपकी बात हुई होगी, आपने देखा उनके फ़ोन पे पुख्ता प्रमाण है इस बात के कि पेपर पहले से लोगों के पास पहुंच चुका है। तो ये बच्चों का दुर्भाग्य है झारखंड राज्य में, या कहीं इस राज्य का दुर्भाग्य है कि 2015 से ये परीक्षा प्रस्तावित थी, 2024 में 9 साल के बाद हुआ, और उसके बाद ये परिणति हो रही है। तो बच्चों का सपना, धैर्य, उनका पेशेंस पूरी तरह से टूट जाता है इससे, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी लंबे समय से ये इंतज़ार करते हैं और अपनी मेहनत लगाते हैं कि कहीं ना कहीं हम सफल होंगे और अच्छे जगह पे हमारी नौकरी लगेगी, लेकिन जब इस तरह का मामला आता है तो कैसा बीतता है? आप एक टीचर हैं, पहले तो जानेंगे कि आप किस चीज़ में हैं। मेरा नाम अरुण अग्रवाल है और यहाँ पे मेरी उड़ान IAS अकेडमी के नाम से कोचिंग है। मैं अभी टीचर हूँ, इससे पहले मैं छात्र भी रहा हूँ, UPSC की परीक्षा की तैयारी की है। तो बच्चों का जो दर्द है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर ऐसी स्थिति कहीं होती है कि आप इतना मेहनत करते, इतना संघर्ष करते, इतना सैक्रिफाइस करते हैं और अपना पूरा सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं एक परीक्षा के पीछे, इतने साल, 5 साल 6 साल 7 साल, उसके बाद जब उसका परिणाम ये आता है तो आप खुद सोचिए कि उसके ऊपर कैसी वो पीड़ा आती होगी। इस बार तो सरकार कह रही थी कि हम क्लीन, मतलब साफ सुथरा एग्ज़ाम लें, लेकिन अभी तक तो दिख रहा है कि सरकार के दावे खोखले साबित हुए। और सरकार ने जो इंटरनेट बंद किया था या जिस तरीके की कड़ाई की थी, शुरू में हम लोग भी बहुत प्रसन्न थे इस बात को लेके कि सरकार वाकई बहुत गंभीर है, लेकिन जो घटना हुई उससे कहीं ना कहीं ये मन में शंका भी आती है कि कहीं इंटरनेट जो बंद किया गया वो इस बात के लिए तो नहीं किया गया कि एग्ज़ाम के दौरान ये चीज़ें बाहर ना आए, ऐसी भी आशंका है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इस पेपर में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन SSC के या दूसरे एग्ज़ाम्स के हूबहू कॉपी किए गए, एक दो क्वेश्चन नहीं, भारी मात्रा में, किसी सब्जेक्ट में 80%, किसी में 100%। तो हाँ, रीजनिंग का SSC का 20 में से 16 क्वेश्चन 2019 का पूरा पूछा गया है, उसके पूरे प्रमाण हैं। मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए, UPSC के CSAT का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है हूबहू। तो ऐसी एजेंसी जो क्वेश्चन बनाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करा कैसे करा सकती है, ये JSSC को सोचना चाहिए। जी, हमारे साथ छात्र भी है, इनसे भी जानेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे लेकिन फिर दोबारा आपको छला गया। अब जो धांधली आई है सरकार से, बस एक ही बात कहनी है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। एग्ज़ाम होने से पहले, सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम ले लोगे, ठीक है, आप जांच नहीं करोगे, फिर दूसरा एग्ज़ाम निकालोगे, दूसरा कैलेंडर निकालोगे, हर चीज़ करोगे, लेकिन बाद में जाकर होता क्या है, रिजल्ट तो वही होता है। उसके बाद सर, सबसे पहली चीज़ इसमें है कि पैटर्न चेंज होना चाहिए। ये इस पैटर्न में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से सर, इस पैटर्न में एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। ये जो एक पैटर्न में आप एग्ज़ाम ले रहे हो, एक ही एग्ज़ाम से आप तुरंत ASO बना रहे हो, ये सब चीज़ें सर, इसमें तो नॉर्मल सी बात है ना कि कोई भी बच्चा तुरंत, आपको अगर कोई भी चीज़ आसानी से मिलने लग जाए तो आसानी से आप चाहते हैं कि बस कुछ पैसे देकर खरीदना पड़े तो खरीद लेते हैं, एक ही बार का तो खरीदना है ना। जब आप 2-3 फेज में किसी एग्ज़ाम को करवाते हो तो वहाँ डर होता है बच्चों के मन कि यार ये वाले में कर लिए तो हो सकता है अगले वाले में ना हो सेटिंग। तो इस वजह से मेरा जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है सर, वो सबसे पहली चीज़ तो सर इस पर जांच हो, उसके बाद एग्ज़ाम हो। और दूसरी चीज़, पेपर लीक का जो कह रहे हैं, पेपर लीक का क्या सबूत क्या है इसमें? सबूत तो अभी जो कुछ दोस्त थे वो आए हुए थे, उन्होंने कुछ सबूत दिखाया है, कुछ तो सबूत उन्होंने भी दिखाया है, और बाकी सर तो वो चीज़ें तो अब कोर्ट में और सरकार के सामने, प्रशासन के सामने कई सारी चीज़ें गई भी होंगी। अब प्रशासन से और सरकार से बस एक ही चीज़ करनी है सर कि इसको नज़रअंदाज ना करें सर।
ये ना करें कि बस अभी नज़रअंदाज कर देते हैं, चुनाव है थोड़े दिन इधर उधर बात घुमा कर, और बाद में जाके फिर कह दें कि हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, हाँ टाल गया। जाँच प्रॉपर सर, प्रॉपर तरीके से जाँच होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। जाँच में जो दोषी होंगे उनको, सर वो तो ठीक है आगे की बात है, लेकिन पहले तो आप जांच में लाइए तो कि आखिर ये काम कर कौन रहे हैं, आखिर जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर उनको ठग कौन रहा है। सर आप दो बार तीन बार आप जाकर एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बच्चे एक ऐसे ऐसे हैं जो रात में स्टेशन पर सो सोकर एग्ज़ाम दिए हैं, आप उनसे भी देखा गया था बिल्कुल बिल्कुल जो आ रहे हैं वो किस तरह सफ़र करके आ रहे थे, आप 4 बजे 3 बजे आप इंटरनेट बंद कर दे रहे हो, तो आप स्टेशन से आप वो जो बच्चा बाहर से आया हुआ है या बाहर के, आप अगर धनबाद के बच्चे को आप लातेहार भेज देते हो तो सर लातेहार के बारे में तो वो जानकारी नहीं रखेगा, उसको तो हर चीज़ उसके नेट पर ही सही चलेगा। तो ऐसे लेकिन इस बार तो हम लोग छात्र से पूछ रहे थे, काफ़ी खुश थे आप लोग कि इंटरनेट बंद हुआ है, सरकार कहीं ना कहीं इस पर है। इस बात से खुशी थी सर, इस बात से खुशी थी, लेकिन वो खुशी सर धुंधली तब हो गई सर जब अगले दिन जो है वो पेपर लीक की घटना हो गई। खुशी तो थी सर कि चलिए सरकार कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है सर, कई बार कोशिश भी नहीं किया जाता, तो ये अच्छा लगा कि सरकार की तरफ से कोशिश, और इस कोशिश के लिए आज भी मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि पेपर को करवाना, क्योंकि ये सर बहुत बड़ा चैलेंज था इस पेपर को करवाना, ये 8-9 साल से पेपर ये रुका हुआ है और उस पर एग्ज़ाम को करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चैलेंज था। तो सर ये तो खुशी की बात थी, इसके लिए कभी मैं इस चीज़ के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर वो उतने के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है सर, तो मेरा कहना है कि उसके लिए प्रॉपर कहीं तो कहीं खामियां, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे जिस एजेंसी को दिया जा रहा है वहाँ से ये चीज़ें निकल रही है, इसके लिए तो सर एक बार जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार इतनी सारी कोशिशों के बाद अगर ये सब चीज़ें हो जा रही है तो कहीं ना कहीं इसकी जाँच तो ज़रूरी है सर। तो देखिए बिल्कुल कि सरकार काफ़ी इस पर सजग नज़र आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मामला यह पकड़ा कि आखिर क्वेश्चन लीक हुआ। और देखिए कि छात्रों का जो हंगामा है वो यहाँ दिख रहा है। सर एक बार फिर से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया जी, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सर, ये सब तो बहुत दुखी है सब, पूरा स्टूडेंट लोग इतना होने के बाद एक बार नहीं दो बार नहीं थी, हर बार ऐसा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय से इसका एग्जाम बहुत काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे थे, बहुत सारा अच्छा तैयारी भी था, इस तरह से बार बार लीक होना अच्छा। इस बार खुशी भी लग रहा था, इस बार लग रहा था कि अच्छे तरीके से होगा, लेकिन नेट बंद हो जाने के पास क्या किया नहीं किया, अब देखिए सारा पूरा कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नेट बंद करने का जो है वो सरकार अपनी खामियों को छुपा रही थी, इस तरह का लीक हो जाए तो ये ज़्यादा खबर फैले नहीं जी। इसमें तो पूरा दिख रहा है कि सरकार अपनी खामियों को पूरी तरह से छिपा रही है, क्योंकि नेट बंद करने का कोई ताल्लुक ही नहीं होता, आज तक ऐसा कहीं पे हुआ नहीं, कहीं पे भी हुआ है तो इस तरह का वो हम देखने को नहीं मिला है। नेट बंद करने का क्या ताल्लुक है, आप नेट बंद क्यों कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है नेट बंद करने से कि क्वेश्चन लीक हो जाएगी? अगर क्वेश्चन लीक होने का इतना ही डर था तो आप इतना अच्छा उसका उस चीज़ को इस तरह संगठित करते जिसके कारण से आपको नेट बंद करने का कोई वो नहीं होता, आप नेट बंद कर रहे हैं जिसके कारण से आपको ये दिख रहा है कि आपने आप लोगों ने मिलकर ये सब काम किया है। हमारे साथ और भी छात्र हैं, इनसे भी हम जानने की प्रयास करेंगे। सर सरकार नाकाम हो गई है, सरकार 5 साल से नाकाम रही है, नहीं कहाँ मतलब वो पूरी तरीका से अकाम रही है, सरकार की मंशा सरकार की जो स्थिति वस्तु स्थिति दिखा है, सिर्फ मैया योजना में व्यस्त हैं, मैया के बेटा योजना में नहीं व्यस्त हैं, उनका यही मंशा है कि सारा नियुक्ति बाहरी को दे दो, सारा नियुक्ति जिसके पास माल है 30 लाख 25 लाख उसको दे दो, सारा क्वेश्चन 30 लाख में बिका है, इस बार देश नहीं विदेश में क्वेश्चन रटाया गया है, इस बार वर्तमान की वस्तु स्थिति झारखंड की क्वेश्चन विदेश में रटाया गया है, हमारे बगल में नेपाल है वहाँ पर रटाया गया है, दिल्ली में रटाया गया, हरियाणा में रटाया गया, ना बहुत जगह रटाया गया है, लेकिन वो प्रमाण नहीं है, लेकिन सब वर्तमान स्थिति परिस्थिति देखते हुए हम लोग CGL रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लगातार करेंगे, धन्यवाद। देखिए कि लगातार अपनी मांगों को लेकर ये डगे हुए हैं, इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और सरकार इस पर सचेत हो, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।